अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बिजी व्लॉग्स। टाइम 5:06 द अनदर डे, ऑल आर वेलकम बैक। अब लोकी ब्रो को पिक करने के लिए जा रहा हूँ, हंटर रिव्यू करने के लिए जा रहा था। लोकी ब्रो भी है, फ्री है बोले, उनको भी पिक करने के लिए जा रहा हूँ। 61 सेकेंड्स टू गो। मेरा नाम लोकेश और नाम ब्रो ब्लैक विंग राइडर। हाय, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಮೋನೋಪ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅಣ್ಣ. ಅವ್ ಜಾರೆ ತಲ್ಲು ರೋಡ್. ಓ ನೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಭಯ ಸ್ಕೂಟಿ ವಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಯು ಎಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಮಾರ ಲೋಕಿ ಭಯ ಪೀಚೆ ಬೈಠೆ. ये है 350 सीसी हंटर, इंजन 349.34 सीसी का है और 20.2 बीएचपी प्रोड्यूस करता है। 27 एनएमएफ टॉर्क फ्रंट डिस्क के टेलीस्कोपिक, 41 एमएम फोर्स, 130 एमएम ट्रैवल और टायर साइज आके 110/70/17 सीएट वाला ट्यूबलेस टायर है। ये रेयर वाला सस्पेंशन आके ट्विन ट्यूब इमोलेशन शॉक और ये गाड़ी आके सिंगल चैनल एबीएस का है और ये गाड़ी का कर्ब वेट आके 177 केजी, सीट हेट आके 800 एमएम, ग्राउंड क्लियरेंस आके 150 एमएम का। डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक इज ब्रेक ऑयल का फ्लूड का इधर दिया सर, थोड़ा डिसएडवांटेज दिख रहा मेरे को बिकॉज सस्पेंशन थोड़ा नहीं तो पत्थर लग के पीछे टायर की वजह से फूट गए तो बहुत वाखा हो जाता है। दिस इज़ ए स्मॉल डिसएडवांटेज ऑफ दिस बाइक। कभी कभार हम सीट हेट बढ़ाना बोले तो जब ये कंप्रेस करके इसको, ये पिन लॉक है ना, इसको हाइट भी कर सकते हैं आराम से। रेयर टायर साइज आके 140/70/17। हाँ दोस्तों, ब्रेक लाइट भी अच्छा है, राउंड शेप्ड एंड इंडिकेटर्स। आफ्टर दैट ये सिंग है ना, ये शेप अच्छा है, सिंग का शेप दिया, नया दिशा है, न्यू वन। सीट ऑल्सो गुड सस्पेंशन। ये स्विचेस का क्वालिटी बहुत अच्छा है कंपेयर टू ओल्ड हिमालयन 411 का और डैशबोर्ड। अरे गाड़ी हंगी था, चला गया था। ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ತೋರ್ಸ ನೋಡಿ. ये हंटर 350 न्यू वर्शन विथ ग्रे कलर। राइडिंग पोर्शन आके ये नॉट ए एडवेंचर, काइंड ऑफ स्ट्रीट वन, बिकॉज देखो हमारे रिस्ट आके ऐसे चल जाता है, दैट्स व्हाई वी कांट राइड मच इन दिस बाइक। एंड परफॉर्मेंस आके गुड, आई लाइक इट। या और पुल भी अच्छा है, नई गाड़ी है, जस्ट 3-4 डेज की गाड़ी, दैट्स वाई इंजन पुल भी बहुत नीट है। एक ही एक दिक्कत है ना, इसमें टूरिंग कर नहीं सकते बिकॉज एवरेस्ट ऐसा चल जाता है, उसके वजह से हमें टूरिंग नहीं कर सकते। फॉर स्ट्रीट वन दिस बाइक इज़ बेटर, टॉय बाइक जैसा छोटी वाली। ये गाड़ी आके क्लासिक इंजन, वेट आके रिडक्शन हुआ है इसका और पूरा इसका पावर आके रेयर व्हील में पुल होता है। सिटी के लिए मस्त रहती है गाड़ी, माइलेज भी अच्छा है इसका। बाइक इज फॉर स्ट्रीट, नॉट मेड फॉर लॉन्ग टूरिंग, लॉन्ग टूरर। हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का रिव्यू इतना ही है, कुछ गलती गया तो माफ़ करो, पहली बार रिव्यू कर रहा हूँ, थोड़ा नर्वस, लेकिन इंशाल्लाह आपसे ऐसे रिव्यू थोड़े करने के लिए ट्राई करता हूँ। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो।